हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव मूसा और आज यहाँ पे सिखाएंगे दिसंबर फरवरी 2017 का पेपर। और ये पेपर पूरा देखिएगा, इससे आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे, इसकी 10,000% गारंटी है। और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, अगर ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा कमेंट्स किया तो फिर 2018 वाला भी पेपर और 19 वाला भी लेके हम लोग आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन क्या हो जाता है? कंजम्पशन मतलब वपराश करना, वापरना। तो ये सेविंग्स नहीं होता है, ना ये अर्निंग वाला होता है। तो बी और सी भी नहीं रहेगा, तो वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी कंजम्पशन हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जस्ट लॉ ऑफ DMU जो होता है दैट वर्क्स। तो लॉ ऑफ DMU, डज द लॉ ऑफ DMU वर्क्स व्हेन यूनिट्स आर अनआइडेंटिकल, ये काम नहीं करता है। टेस्ट प्रेफरेंस एंड चेंजेस, ये काम नहीं करता है। टाइम लैग, ये तीनों तीन जो है दोस्तों ये एजम्पशंस है। तो सिर्फ ये ही चीज़ है जो एजम्पशन नहीं है। तो ये हो जाता है, कंटिन्यूस कंजम्पशन होता है तो ही ये काम करता है। अब थर्ड, द डाउनवर्ड स्लोपिंग MU कर्व डेमोन्स्ट्रेट, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग MU कर्व? अब MU जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, वो ऐसे आ रहा है तो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, नहीं ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो MU ऑफ X अपॉन PX है, इसका भी एक वीडियो है, वो भी आप देख लेना। कांस्टेंट नहीं होता है, तो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ये मैंने बोला था आपको क्लास के अंदर कि भाई आप थक के आए हो पर आपको पानी पीना है, तो एक ग्लास पानी पिया तो आपको अच्छा लगेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, उसके बाद इतना मज़ा आता नहीं है। ओके, तो ये तीन वाला था, वो याद हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, फिर से एक बार, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर हैज बीन डेवलप बाय, किसने किया हुआ है बेटा? हाँ, वेरी गुड। तो ये मार्शल का था, और हिक्स एंड एलियन वाला जो था वो सा कौन सा था? ऑर्डिनल। तो बस, तो वो कार्डिनल ऑर्डिनल ऐसे याद रख लेना, और कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पे भी हमारा एक वीडियो है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वरना आप कॉमेंट कर देना, मैं लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? MU ग्रेटर देन जीरो, तो TU इंक्रीज होता है, यस। MU जीरो होता है तो TU जीरो मैक्सिमम होता है। MU लेस देन जीरो तो TU क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। MU लेस देन जीरो नारे डिक्रीजिंग हो जाता है, तो ये भी गलत है। और MU लेस देन जीरो TU क्या हो जाता है? TU नेगेटिव कभी नहीं होता है MU लेस, इसलिए ये तीनों रॉन्ग है और यही वाला सच आएगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीजेस, ये कब हो जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कॉमोडिटी कब डिक्रीज हो जाती है? रिसोर्सिस आर लिमिटेड, नहीं। डिमांड डिक्रीजेस, नहीं। बाकी क्या रहा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज रीच या इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस, कौन सा आएगा? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, अब कंज्यूमर सरप्लस मैंने बताया था, ठीक है, कंज्यूमर, इसका फुल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है? जितनी यूटिलिटी माइनस एक्सपेंस, बराबर। तो ये हमारा सरप्लस वाला एरिया बनेगा, तो ये प्लस वाला है तो ये नहीं आएगा, ये डिवाइड वाला है तो ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाई वाला है तो ये नहीं आएगा, तो यही बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसमें ध्यान रखना, कॉनकेव लिख देंगे तो सीन हो जाता है, अपने को तो कॉन्वेक्स अपना ओरिजिन ओरिजिन दिमाग में रखते रहते हैं। टू कैन नेवर इंटरसेक ईच अदर, ये भी है। मूव फ्रॉम, क्या हो जाता है बेटा ये? तो सही आंसर क्या है? लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए ये आंसर कौन सा है? रॉन्ग है, ठीक है, और नॉट बोला है तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कार्डिनल, तो भाई कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पे एक वीडियो है, पहले उसको देख लेना, तो MCQ तो लर्न हो जाएंगे, बिकॉज यही MCQ रिपीट होगा, ऐसा नहीं है बट हाँ रिपीट होते हैं। द कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एज्यूम्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट, ना पता चले तो एजम्पशन जो है ना
एजम्पशन में ये दिख जाता है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है? इंडिफरेंस कर्व का ये स्लोप जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है? फैक्टर नहीं, वो तो आईक्यू होता ना, तो होता बराबर इनकम लेवल, ये प्राइस लाइन में होता है। प्राइस रेशियो ऑफ कॉमोडिटी ये भी नहीं होता, तो ये MRS होता है। MRS का फुल फॉर्म बोलो भाई, एक ही जन बोल रहा है, कौन सा बोला? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और MRDS का भी बोल दो, एक ही बोल रही है। MRDS का भी बोल दो, MRDS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। डरो मत, ये तुम्हारा आवाज नहीं आएगा वीडियो में, वो नॉइज बफरिंग कर देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया। कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है? ये है डिमांड कर्व। क्या है? डिमांड कर्व। दिस इज द प्राइस विच वी आर विलिंग टू पे, और दिस इज हमारा एक्चुअली हम कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का, तो अबाउ द डिमांड कर्व यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, बराबर मार्केट प्राइस के बिलो ये वाला भी नहीं आता है। बिलो डिमांड कर्व और बिलो डिमांड कर्व बट अबाउ मार्केट प्राइस, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको रब कर देते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ दिस आर इनकरेक्ट कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब कौन सा हो जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट होता है, यही इनकरेक्ट है। इज इक्वल टू प्राइस बिकॉज MUX अपॉन PX आया हुआ ही है, ये समझ गए? तो ये भी है, सरप्लस में भी आता है, बराबर इस पे तो हमारा सम है एक, तो बचेगा कौन सा? ये वाला ही बचता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा था? कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय गुड्स कैन बी एक्सप्रेस एज, क्या हो जाता है? परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। उसके बारे में क्या सिखाया था? बजट लाइन। प्राइस नहीं होता, इनडिफरेंस कर्व नहीं होता, इनकम भी नहीं होती। ठीक है, हाँ, कैपेसिटी इनकम से नहीं होती है, बजट लाइन से होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब ये वाला जो MCQ आएगा, MCQ नंबर 15, बराबर इसके पूरा एक सम का वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है, ये देखने से ये MCQ भी आ जाएगा और फाइनल में सम आएगा वो भी होगा, तो इसको देख लेना, मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे तो यही वाला आंसर है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए फायदा होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, व्हेन अ फॉर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट टू अनदर व्हाट इज नॉट हैपनिंग, क्या नहीं हो जाता है? अ चेंज इन द रेशियो ऑफ इनपुट आर कंबाइंड, अ चेंज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, अ चेंज इन द रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन और द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्या नहीं हो रहा है? वही है, आउटपुट ही नहीं हो रहा है, बराबर है, बिकॉज IC पे आप कहीं भी घूमोगे, IQ पे भी आप कहीं भी घूमोगे, तो IC था तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम था, और IQ होता है तो प्रोडक्शन सेम होता है, तो ये चेंज नहीं होता है, तो ये D वाला सही है। Which of the two inputs are perfect complementary? ये कौन सा था बेटा, फुल फॉर्म इसका बोलो तो, MRDS का रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या था? बिटवीन टू इनपुट्स क्या हो जाता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो क्या आता है? वन, हाँ, और सब्स्टिट्यूट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कौन सा आ जाएगा? लॉन्ग रन, ये तो दो एग्जाम में रिपीट हुआ है, अभी भी तीसरी बार भी हुआ है। डैश इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन सक्सेसिव आइसोकॉन लाइन, प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन फंक्शन इस पे हर बार आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी अच्छे से करना। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ही होगा, कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, बराबर, प्रोडक्शन प्राइस भी नहीं होता है और सेल्स भी तो सुना नहीं है, तो बचेगा क्या? यही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्या होता है? ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, कौन सा? हाँ, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, नहीं ये भी नहीं होता है। ऑल फैक्टर आर फिक्स, ये भी नहीं होता है, बराबर, तो एटलीस्ट वन फैक्टर जो होता है वो फिक्स होता है। कौन सा फिक्स होता है? कैपिटल फिक्स मानते हैं और लेबर को वेरिएबल करते हैं।
स्लोप ऑफ आइसोकॉन लाइन कहाँ पे होता है, फंड्स अवेलेबल, रेशियो फैक्टर, रेशियो प्रोडक्ट, ये नहीं होता ये, ठीक है ये दोनों नहीं होते। आइसो कॉस्ट लिखा है ना, कॉस्ट लिखा है तो क्वांटिटी नहीं होता, तो बचेगा कौन सा, हाँ बचेगा कौन सा, फंड अवेलेबल। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज वन इज नोन एज, कौन सा होता है स्टेज वन कौन सा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज टू कौन सा होता है, कॉन्स्टेंट, हाँ। और स्टेज थ्री कौन सा होता है, डिमिनिशिंग, ठीक है हाँ। अब ये देखिए तेरा मैंने बोला था ना, ये रहा बेटा, ये आता ही है, इसका फुल फॉर्म क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एल क्या होता है, लेबर, और के क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। कैप पता नहीं ये सी को क्यों के बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में नहीं सिखाया था, हाँ ई आई वाई नहीं होता तो प्रोनाउंस करते, हाँ हाँ। और इंग्लिश का भी है मत हिसाब है, और इंग्लिश का भी है, अंडर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन ऑर्डर टू डबल द लेवल ऑफ आउटपुट। डिक्रीजिंग रिटर्न है और डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, मोर देन डबल, तभी होगा, क्योंकि डबल करोगे तो कम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, फायदा, तो ये बल्क परचेज से फायदा होगा, इससे फायदा होगा, इससे फायदा होगा, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। ये वाला पता नहीं दो तीन बार आया ही है, शॉर्ट रन इनपुट आउटपुट रेशियो कौन सा हो जाता है, स्टेज वन टू थ्री फोर, थ्री थ्री, हाँ स्टेज फोर है ही नहीं, कहाँ से लाया तू। आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट, रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ ऑपरेट करेगा, अपनी ऑफिस में, फैक्ट्री में है, कहाँ करेगा, एट द वेरिएबल प्रोपोर्शन एज फ्री ऑफ कॉस्ट, एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज ही आएगा बराबर, स्टार्ट में नहीं होता है, पीक पॉइंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा एक वीडियो, तुमने बोला ना साले नहीं है क्या, नहीं है इसका है ना आंसर, तो किसमें नहीं है, उसका 17, तो ये कौन सा था, आ तो 18 ना, 70 से 80 में ना, तू 70 में तो छह क्या, ये बराबर से सू, हां बाय बाय, तो अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते, तो किस साल एक तकबर की सीरियल है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो एमसीक्यू के बारे में, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो में लेके आया करूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, हर हर महादेव, बस।